हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में श्री अरबिंदो घोष के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं अरबिंदो घोष की सब्जेक्टिव टाइप वीडियोस अपलोडेड कर चुकी हूँ। इस यूनिट में आपकी में 9 राइटर्स हैं और ये श्री अरबिंदो घोष फर्स्ट राइटर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम श्री अरबिंदो घोष से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहन बार श्री अरबिंदो बॉर्न। श्री अरबिंदो का जन्म कब हुआ था? 1872 1872 में। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड ही स्टडी एट लंदन। लंदन में उन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया, वो कहाँ पढ़े थे? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, एसटी पॉल्स, सेंट पॉल्स में। वेयर डिड ही गेट हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन इंडिया। भारत में उन्होंने फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ पर लिया था, मतलब कहाँ जॉब की थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वॉट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी वॉश। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड ही रिटर्न टू इंडिया। वह भारत कब लौटे? तो 1893 में लौटे। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन बाज द पोएम ट्रांसफॉर्मेशन कंपोज्ड। उनकी जो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत फेमस और अच्छी पोएम है ये, इनकी अध्यात्म से रिलेटेड है। तो ये कब इन्होंने लिखी थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 1930 में इन्होंने इसको लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की पोएटिक फॉर्म क्या है? तो इसकी पोएटिक फॉर्म है लाइब्रेशन। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द एपिक पोएम रिटन बाई अरबिंदो घोष। उस एपिक पोएम का नाम बताओ जो अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सावित्री। सावित्री इनकी एपिक पोएम है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द इलियन वाज पब्लिश्ड। इलियन जो इनकी पोएम है, ये कब पब्लिश हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इलियन। इलियन की क्या थीम है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ट्रोजन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सावित्री। सावित्री पोएम जो इनकी है, एपिक पोएम, इसकी थीम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यवान इज द सिंबल ऑफ। सत्यवान किसका सिंबल है सावित्री पोएम में? ट्रुथ एंड ब्यूटी का सिंबल है सत्यवान। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सावित्री इज द सिंबल ऑफ। और सावित्री किसकी सिंबल है? तो सावित्री लव, पावर, डिवोशन सभी की सिंबल है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द लाइफ डिवाइन डील्स विद। लाइफ डिवाइन जो इनकी पोएम है, उसमें किसको डील किया गया है, किसके बारे में वर्णन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी। मीटिंग विद सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पावर से मिलना, सेल्फ रियलाइजेशन और स्वयं की समझ, स्वयं को जानना, नोइंग अल्टीमेट अनंत को जानना। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज नोन एज द मदर ऑफ अरबिंदो आश्रम। अरबिंदो आश्रम की मदर के रूप में किसको जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मीरा अल्फासा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही बिल्ड हिज आश्रम। उन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया? क्योंकि
उनको नारायण के दर्शन हुए थे तब से उनकी लाइफ स्टाइल, उन लोगों के प्रति उनका एटीट्यूड और अपनी लाइफ के प्रति उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था, तो उन्होंने आश्रम भी अपना बनाया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 17 का डी, पांडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पांडुचेरी में नहीं, बेंगलोर में बनाया था बेटे। सही सही, बेयर डिड बिल्ड हिज आश्रम, हाँ ठीक बेटे ठीक, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, पांडुचेरी, करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी अवार्डेड हिम नेशनल प्राइज, कौन सी यूनिवर्सिटी ने उनको नेशनल प्राइज से अवार्डेड किया, सम्मानित किया, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, आंध्रा यूनिवर्सिटी ने अवार्डेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच पोएम, निम्नलिखित लाइन कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो लाइन है माई ब्रीथ रन्स इन द सबटाइल रिदमिक स्ट्रीम, इट फिल्स माई मेम्बर्स विद ए माइट डिवाइन, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर ही पास्ट अवे, कौन सी साल में हुआ पास्ट अवे, कर गए, गुजर गए, मर गए, उनकी डेथ हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा 1950, 1950 में। इस तरह से ये हमारे श्री अरबिंदो घोष के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं, एक राइटर के लिए 20 क्वेश्चंस पर्याप्त हैं, इसी में से क्वेश्चन याद आएगा तो फंस जाएगा। ओके।